सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरह से रील्स वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा देर ना करते हुए तो आपको सबसे पहले क्रोम एप्लीकेशन पर चले जाना है। यहाँ सर्च करना है आपको बिंग AI इमेज जनरेशन। सो यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके फर्स्ट में ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे अगर आप अपने जीमेल से लॉगिन किए हैं तो सही है, आप देख सकते हैं हमारा जो है जीमेल आईडी लॉगिन हो गया है। मैं एक फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे लॉगिन करते हैं, वो जाके वीडियो देख लीजिए। मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक बॉक्स दिखेगा, खाली बॉक्स में यहाँ पे टाइप करना है कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे लिख के पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखा हुआ था, ठीक है। यही आपको वर्ड लिख देना है, ठीक है। आपका जो नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा नाम लिखा हुआ है सुनील। सुनील आप यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपने पार्टनर का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और लिखने के बाद सिंपली से यहाँ पे क्रिएटिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो इमेज है क्रिएटिंग होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं वीडियो एडिट करके भी दिखाऊँगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि बहुत मेहनत से बनाते हैं हम वीडियो, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका जो इमेज है वो बन के आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जिस भी इमेज को डाउनलोड करना है आपको सिंपली से उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप उस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से बैक चल जाते हैं, ठीक है। आपको मैं वीडियो एडिट कैसे करना है, सो आपको सबसे पहले VN एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है। VN एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाली आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो इमेज है जो डाउनलोड किए हैं वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये वाले इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज है वो आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे होंगे ओरिजिनल लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और आपका जो वीडियो का ड्यूरेशन होगा 9:16 रेशियो का होगा, ठीक है। टिकटॉक वाली पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो वाले लेयर पे जाना है, क्लिक कर देना है और इस फोटो को एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको जाना है लास्ट में, ठीक है। और इस ब्लैक वाले इंट्रो टाइटल को डिलीट कर देना है, ठीक है। और आपका जो वीडियो का लेंथ है वो 10-12 सेकंड तक रख लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रख लिया 13 सेकंड का, ठीक है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको नीचे में दिख रहा होगा BG का ऑप्शन, ठीक है। सो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से इमेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप अपने वीडियो पे इंस्टाग्राम का यूजर नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं इतने पे ही, सो यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली से इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, वीडियो का अंत तक देखें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, ठीक है। और एक प्यारा से कमेंट कर देना है आपको, ठीक है। ऐसी हमारे चैनल पे वीडियो मिलते रहेगी, ठीक है। तब तक से ये एक्सपोर्टिंग हो जा रहा है, ठीक है। तब तक से आपको और एप्लीकेशन को जरूरत होगी, यहाँ पे अपना VPN ऑन कर लेना है, ठीक है। ये आसानी से प्ले स्टोर पे मिल जाता है, ठीक है। तो प्ले स्टोर से जाके VPN डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। सो कनेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले क्रोम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से होम पे जाएंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर देंगे और फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे दिखेगा यूज टेम्पलेट इन कैपकट, ठीक है। सो इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपका जो ये टेम्पलेट है वो कैपकट में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी नेटवर्क स्लो की वजह से थोड़ा ये वेट करने को बोल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कैपकट में
हमारा ये टेम्पलेट आ चुका है, ठीक है। टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज टेम्पलेट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो वो वीडियो एक्सपोर्टिंग किए थे VNF से, सो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो हमारा ये वीडियो रहा, ये वाली वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो वीडियो है और यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे अप्लाइंग स्मूथ स्लो मोशन, इसको सॉफ्ट 100% हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ये जो क्वालिटी दिखाएगा इस पे क्लिक करेंगे, अपना क्वालिटी हाई कर देंगे, ठीक है, 1080 पे, ठीक है। और यहाँ से डन कर देना है और फिर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क, यानी कि इस टिकटॉक वाली पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वीडियो पे वाटर मार्क नहीं आएगा। आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे कैपकट का लोगो दिख रहा होगा, वो नहीं आएगा। सो इसी पे क्लिक करके आप एक्सपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो वीडियो है वो एक्सपोर्टिंग हो जाएगा, ठीक है। वो स्मूथिंग वाला 100% होने के बाद आप ये एक्सपोर्टिंग करेंगे तो जल्दी होगा, ठीक है। सो थोड़ा स्मूथिंग होने में वेट कर लीजिएगा, ठीक है। 100% होने के बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।